अरे गजब 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 भाई गजब यार। एक और नई वीडियो में स्वागत है, मेरा नाम है विनोद। आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में एक ऐसा ट्रैक्टर जो हमारे पास एक साल से खड़ा हुआ है। काफ़ी हमने बड़े बड़े अच्छे काम किए उससे, और एक दो बार पानी में भी डूब गया वो हमसे, लेकिन फिर भी जिंदा है और काम कर रहा है। और ये जो धान आ रही है ना, ये जो पूरा सीजन आ रहा है, इसमें आप देखोगे कि पूरी की पूरी थ्रेसिंग वही ट्रैक्टर करेगा। लेकिन वो एक साल से रखा है तो चालू नहीं हो रहा है, तो उसको चालू करने की प्रक्रिया कर रहा है। हमने सेल्फ मार के देख लिया, लेकिन नहीं हुआ। अब उसको क्या करते हैं, खींच के करते हैं चालू। और अगर वो चालू हो गया तो सालों साल चलेगा, मतलब पूरा काम करेगा सीजन का। दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हो, ये है महिंद्रा अर्जुन नोवो, नए ट्रैक्टरों की श्रेणी में सबसे पहला, फिर ये और वो स्वराज। लेकिन अगर पुराने ट्रैक्टरों की बात करें ना, तो हमारे पास दो ऐसे महान ट्रैक्टर हैं जो मतलब अपनी कैटेगरी के सबसे स्पेशल ट्रैक्टर हैं। एक तो ये है आईसर 242 सिंगल सिलेंडर 25 हॉर्स पावर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के साथ। भाई गजब का ट्रैक्टर है। आपको पता ही है पीछे हमारी एक पंखी रखी हुई है। ये हम मुख्य रूप से ये 6x6 का पंखा है, ज़बरदस्त पानी, इसी को हम सप्लाई के लिए इसको ज़्यादातर चलाते हैं। 1000 RPM देता है ये, और आधा लीटर से 1.5 लीटर के डीजल खर्च में बहुत चलता है। दूसरा है हमारे पास ये न्यू हॉलैंड 5500, पूरा 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 16 के टायरों में, और ये जो है रोटरी पंप के साथ आता है, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्टर है, हम जब थ्रेसिंग करते हैं ना भाई, तो ये ट्रैक्टर लगा दो आप सेम जगह पे। अब बिल्कुल हमने पिछले साल करके देखा था एक ये ट्रैक्टर, और वही थ्रेसर हमने इससे चलाई। 57 हॉर्स पावर 4 सिलेंडर में, यह 3 सिलेंडर में। भाई साहब ये इतना सा नहीं दबता, आवाज़ तक नहीं बदलता, और ये दब दब जाता है, कितनी बड़ी बात है, ये नहीं दबता। तो इस साल की भी पूरी थ्रेसिंग की जिम्मेदारी हमने इसको ही दे रखी, ये पूरी थ्रेसिंग करेगा हमारी इस साल, ठीक है। तो इसको ट्रॉली हटाते हैं, इसको निकालते हैं और चालू करके देखते हैं। इसको तो अभी चालू किया था, ये बढ़िया कंडीशन में चालू में, बस यही है ये चालू हो जाए तो मज़े ही मज़े। तो उसके लिए हमको लगानी है ट्रॉली, जिसको हटाना पड़ेगी तभी धक्का पड़ेगा। कमाल की बात है, 57 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर दब जाता है इसके सामने। पटरी पे उठा के पत्थर रख लो, बराबर हो जाएगी। नहीं नहीं ये ऊंचा हो जाएगा, ये ऊंचा हो जाएगा, दूसरा लेके आओ। हाँ काम चल गया, इतना तो हो गई। चलो भाई ट्राली लग गई, अब इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब इसको खींचना भी पड़ेगा हमको ट्रैक्टर को, और बेल्ट वो पड़ा हुआ है, बेल्ट बांधते हैं और खींचते हैं तो फटाक से जो है चालू हो जाएगा। ये भी तो खाली खड़ा है, इससे खींच लो, ऐसे ही बंद कर दो, ये खाली खड़ा है।
और इसकी सर्विस करवा लो, ये समस्या का समाधान कर लो उसके, फिर सीजन में उलझ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आप ये बेल्ट बांध दिया, अब इसको पीसते हैं और देखने वाली बात है भाई चालू होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा क्या रखा हुआ है, जाम सा हो गया, इंजन घूम जाएगा थोड़ा सा तो हो जाएगा चालू, पूरी उम्मीद है। फंदा वाली गठान, तो भाई ग्राउंड के अंदर हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो बाहर ले जाना पड़ेगा रोड पे खींचने के लिए। चलो खींचना शुरू करते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। हवा कम है कि वहां में, तो भाई उम्मीद से बेहतर, जरा सा इंजन घुमा और चालू हो गया। और इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या है, इसका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा तो बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाती है। दोनों के दोनों पहियों में हवा कम है। वो नहीं आ रहा। अच्छा भाई पुराना वाला ही है, बहुत दम मार रहा है देखो। अरे गजब भाई। देख लो, गोल्ड इज गोल्ड, पुराना लोहा कितना दम मार रहा है। जान दो। गजब यार। हवा कम है, टायर पूरा नीचे हो गया। हवा कम है कि पूरा बैठे हटाए। तो देख रहे हो भाई कितनी दम है इस ट्रैक्टर में। एक ही हैंड ब्रेक लग पाया है। तो भाई साहब रेडिएटर में पानी कम है, मतलब है होगा कि नहीं होगा कोई नहीं पता, तो रेडिएटर में पानी डाल रहे हैं।
डालो और डालो। अब ऑयल भी चेक करते हैं, इसमें ऑयल डालना पड़ेगा। बढ़िया। तो धुआं बंद हुआ नहीं हुआ? तो भाई ट्रैक्टर बंद करके अब इसमें ऑयल देख लेते हैं। और इसका अल्टरनेटर भी एंड हो गया है, इसको भी ठीक करवाना है हमको। जिधर साइड है गई साइड जा, साफ करके दोबारा लगाओ। ऑयल तो अच्छे होगा। डाला था ना अपन ने मैक्स। हाँ खोले होगा। वहीं तक है वो, बिल्कुल सही जगह तक। कुछ मत करो, बंद कर दो इसको अच्छे से। हाँ आपकी मोजा को घाटी है, ब्रेक मार लेना नहीं तो होते चल रहा है। बढ़िया। तो भाई हवा भरवाने जा रहे हैं लोग। हमारा ग्राउंड देख रहे हैं, ये काफ़ी अस्त व्यस्त हो रहा है, इसको हमें सही करना है ताकि हम थोड़ा जगह का उपयोग कर पाएँ। ये जो ढेर पड़े हुए हैं मिट्टी के, इनको सही करना है। घास फूस हो गई, इसको सबको सही करना है। तो JCB 3DX अपना काम करेगी और ये व्यवस्थित करने का हम प्रयास करेंगे। वहीं हमारा एक ट्रैक्टर जो है भरा खड़ा हुआ है। चालू करो रामू, पत्थर की वजह से टेक लग रही है। और बहुत बड़ा लग रहा वो तो। बस बढ़िया निकल जाएगी। यहीं से आगे बढ़ा के या तो यहीं खाली कर दो सूखी जगह में, है ना। अरे उससे धकवा दे रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा मशीन से धकवा दे रहे रामू। इस पे लगाना, मुरम में करो, मुरम में ऊपर इसमें। चलो रामू ताकत लगाओ। हाँ निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। बढ़िया।
बस 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 बैठ जाएगा, खाली कर दो। उधर ही हाँ, तो भाई पूरे ग्राउंड को जो है लेवल कर रहे हैं और जगह दिखने लगेगी, घास फूस सब छड़वा दे रहे हैं।
हवा डलवा के आ चुका है भाई, रेडी हो गया हमारा हीरो।